उत्साह
यहां देखकर मुझे लग रहा है कि अब की बार आप करने वाले हैं, और ईश्वर करे हम एक ऐसा इतिहास यहां से रचे कि हिमाचल की चारों सीटें और हम मोदी जी को 400 सीट जिताकर फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मैं देख रहा हूं यहां पर गगरेट चिंतपूर्णी से एक मांग थी कि ECHS पॉलीक्लिनिक हमारे यहां पर खुले। हमने ECHS पॉलीक्लिनिक गगरेट के लिए भी मंजूर करवा दिया है और भोलन के लिए भी मंजूर करा दिया। इसकी आपको सभी पूर्व सैनिक भाइयों को बहुत बहुत बधाई। आइए, समय हो गया है एक बार मोदी जी को रेल मंत्री जी के नाम पे नारे लगा देंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, हरे कृष्णा। मथुरा वृंदावन जाना तो बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शुभ यात्रा, बधाई हो, बधाई बधाई सबको बहुत बहुत।
बधाई बधाई साहब सबको, क्या हो बधाई हो, जय महाकाल। चंदन जी परे हो धन्यवाद के लिए। वही सारे चुप करो बाकी, हेलो थोड़ा पीछे हो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है। ऊना से लेकर इंदौर तक की ये ट्रेन ऊना से जब चलेगी तो आगरा भी जाएगी, वृंदावन मथुरा भी जाएगी, ग्वालियर महाकाल लोक और फिर जो हमारे उज्जैन में है और फिर इंदौर तक ये ट्रेन जाएगी। एक बहुत बड़ी सुविधा, एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने दी है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लंबे समय से हमारे क्षेत्र की मांग थी, जब मैंने मांग रखी हरिद्वार के लिए और महाकाल लोक और वृंदावन मथुरा के लिए, दस दिनों के अंदर ये दोनों ट्रेनों की मंजूरी करना, ये अपने आप में दिखाता है मोदी जी का हिमाचल प्रेम। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ हमने दौलतपुर चौक के लिए एक वॉशिंग लाइन भी मंजूर करवा दी, जो करोड़ों रुपए, लगभग 40-47 करोड़ रुपया खर्च होगा। वॉशिंग की सुविधा होगी, जितनी ट्रेनें हमारी पहले रुक जाती थी, भविष्य में अब हम उनको वहां लाएंगे भी, सफाई भी कराएंगे, यानी के भविष्य में और ट्रेनों का हिमाचल से चलने का रास्ता खुल गया है। हमने अपने रेलवे ट्रैक इनको भी लंबा करने के लिए, ताकि 16 बोगी की जो ट्रेन आती है उसके बजाय 22 बोगी की कैसे आए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने के लिए हमने वो भी काम पूरा करवा दिया है। हमारी इसकी भी एक बहुत बड़ी सुविधा उत्तर रेलवे के माध्यम से यहाँ पर मिली है। और साथ ही साथ अम्ब इंदौरा रेलवे स्टेशन हमारा आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा, कुछ महीनों में बनकर वो भी तैयार हो जाएगा। सर, हिमाचल के काफ़ी लोग जो है मुंबई में रहते हैं, राज्यसभा में ऊना से मुंबई के लिए जो सीधी ट्रेन चलाने के लिए भी जो है मांग उठी थी, राज्यसभा में मुद्दा सिकंदर कुमार जी ने उठाया था, आपको भी एक मांग पत्र सौंपा गया था, उसमें क्या कदम उठाए गए? देखिए, पहली बात मैंने आपको कहा कि जो अधिकतर ट्रेनें लंबी दूरी की हैं उनको सफाई कहाँ करेंगे? अगर वो दौलतपुर चौक तक आती तो उनको वापस नंगल साफ करने के लिए लाना पड़ता है। तो उसकी सारी समस्या की जड़ थी वॉशिंग लाइन, और हमने वो समस्या का निजात करवा दिया है। दौलतपुर चौक के लिए वॉशिंग लाइन मंजूर करवा दी, जब वो बन जाएगी तो भविष्य की सुविधाएं भी खुल जाएंगी। आपने सर ECHS मंजूर कराया, उसके बारे में? देखिए, हमारे पूर्व सैनिकों की मांग थी कि ECHS गगरेट में और भोरंज में खोला जाए, हमने दोनों जगह की मंजूरी करा दी है। ECHS पॉलीक्लिनिक हमने गगरेट के लिए भी और हमने भोरंज के लिए भी मंजूर करा दिया। इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, केंद्र सरकार ने युवाओं को कांग्रेस गारंटी दे रही है और ये कह रही है कि हिमाचल के 5 लाख को तो दे नहीं पाए, देश के 5 करोड़ कहाँ से देंगे? हिमाचल की बहनों को 1500 रुपये दे नहीं पाए तो देश की बहनों को कहाँ से देंगे? ये वो कांग्रेस है जो चुनाव से पहले फॉर्म भरवाती है और बाद में कूड़ेदान में फेंक देती है। इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी भरवाए थे, कूड़े में फेंके, अब लोकसभा के चुनाव आए फिर फॉर्म भरवाएंगे, फिर कूड़ेदान में फेंकेंगे, लेकिन जनता अब इनको फेंकने वाली है। धन्यवाद।